मताये लोह कलम छिन गई तो क्या गम है के खून दिल में डुबोली हैं उंगलियाँ मैंने ज़बाँ पे मुहर लगी है तो क्या के रख दी है हर एक हल्क़ जंजीर में ज़बाँ मैंने आज की गुफ्तु का मौजू है फैज़ अहमद फैज़ और उनकी नजम नगारी शायर मशरक़्लाकबाल के बाद उर्दू शायरी की तारीख़ में जो ज़माना आता है वो तरक्की पसंद तहरीक का ज़माना है शेरु अदब का नाम फ़न बराए फ़न से बदल कर फ़न बराए ज़िंदगी रख दिया गया और गजल के साथ साथ नजम निगारी को फ़रो दिया जाने लगा उस ज़माने के बेशतर शुरा बहसियत नजम निगार तहरीक से जुड़ते चले गए मखदूम महियुद्दीन अली सरदार जाफरी कैफी आजमी साहिर साहर असरारुल हक मजाज अख्तरईमान जानिसार अख्तर अहमद नदीम कासमी वगैरह के नाम बिलखसूस लिए जा सकते हैं उन्हीं नामों में एक नाम है फैज़ अहमद फैज़ का फैज अहमद फैज़ एक तरक्की पसंद शायर बेशक थे लेकिन वो अपने अहद के तमाम शायरों से बेहद मुनफरद हुए कहा जा सकता है कि फैज़ अहमद फैज़ अपने अहद के सबसे बड़े शायर थे फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 7 जनवरी 1911 सौ ईस्वी को सयालकोट में हुई वो बचपन से ही बड़े जीशूर और होशमंद थे उन्होंने उर्दू अरबी फ़ारसी अंग्रेज़ी के अलावा कई जबानों में महारत हासिल की अरबी और, और अंग्रेज़ी में उन्होंने एम ए और उसके बाद दो बार लेक्चरर बने एक बार अमृतसर में और दूसरी बार लाहौर में इसके अलावा वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने दरस व तदरीस को पसंद न करके खैरबाद कह दिया और उसके बाद उन्होंने फ़ौज की नौकरी कर ली फ़ौज में वो कर्नल के उदे पर फायज़ हुए लेकिन उन्नीस में जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो उन्होंने फ़ौज की मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर लाहौर चले गए वहाँ जाकर वो सहाफ़त से जुड़ गए अंग्रेज़ी और उर्दू के कम से कम तीन अखबारों और रिसालों से वो जुड़े रहे और खिदमत करते रहे फैज़ अहमद फैज़ दो बार जेल भी गए और उसके बाद पाकिस्तान के कई मोतबर इदारों से जुड़े रहे और और बड़े उहदों पर फैज़ होते रहे बीस नवंबर उन्नीस सौ चौरासी को उन्होंने वफात पाई और लाहौर में ही दफन किए गए उनकी नसरी और शेरी तसनीफ़ात की तादाद लगभग पंद्रह है लेकिन आज की गुफ्तु हम उनके दो मजमूए कलाम नक्श फरियादी और दस्त सभा के हवाले से करेंगे नक्श फरियादी उन्नीस सौ इकतालीस ईस्वी में शाया हुई और दस्ते सबा उन्नीस सौ बावन ईस्वी में ये दोनों किताबें उनकी शायराना ज़िंदगी के इब्तायी दिनों के मज़मूए हैं और ये दोनों किताबें उनकी शख्सियत को तय करने के लिए काफ़ी हैं उर्दू शायरी में फैज़ अहमद फैज़ का मकाम काफ़ी बुलंद है वो एक खालिस तरकी पसंद शायर थे और उनके ख़यालात का महवर मार्क्सम था उनकी शायरी में क़दीम शोरा का वज़न और फ़नकाराना हुस्न भी मिलता है और नई ज़िंदगी के बेचैनियों के साथ इनकलाबी हौसला भी दिखाई देता है उनकी शायरी में रवायत की पासदारी है मगर वो रवायत से हटते हुए नज़र आते हैं वो रवायत से तब हटते हुए नज़र आते हैं जब उन्हें अपने ख़यालत को इज़हार करना होता है और उसके लिए रवायत से हटना वो ज़रूरी समझते हैं यही वजह है कि उनकी शायरी में उनके ख़यालात और उनके जज्बे की अहमियत बढ़ जाती है फैज़ अहमद फैज की नज़म निगारी में जिन दो लफ्ज़ों को कलीदी हैसियत हासिल है वो है रुमान और हकीक़त जब फैज अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमू नक्शर यादी उन्नीस सौ इकतालीस में शाया हुआ तो उस पर उन्होंने उस जमाने के मुमताज़ अदीब और शायर नून मीम राशिद से मुकदमा लिखवाया नून मीम राशिद ने अपने मुकदमे के तहत ये लिखा नक्श फरियादी एक ऐसे शायर की नज़मों और गजलों का मजमु है जो रूमान और हकीकत के संगम पर खड़ा है फैज़ अहमद फैज़ के मतलक़ नून मीम राशिद का फरमाया हुआ ये जुमला उनके लिए सनद बन गया और आज तक पूरी उर्दू दुनिया फैज़ अहमद फैज़ को इसी नज़र से देखती है फैज़ अहमद फैज़ की शायरी की शुरुआत रुमान और हकीकत की धूप छाव से होती है उनकी शायरी में हुसन इश्क की गुदाज दास्तानें भी हैं और बेजार निगाहों की तलखियाँ भी मौजूद हैं वो हुस्न की रंगीनी में डूब जाने की ज़ुरत भी रखते हैं और अजनबी बन जाने की तमन्ना भी वो बेजार निगाहों की तलख़ी भी रखते हैं उनकी शायरी में एक तजस्सुस है और वो तजस्सुस तफक् के साथ है मायूसी भी है इसमें कोई शुभा नहीं कि एक दर्द भी है मगर शिकस्त का ए तरफ नहीं है बल्कि उसकी जगह एक मजबूत उम्मीद है एक शेर मुलाजा फरमाए फरमाते हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है फैज़ अहमद फैज़ का मिजाज बुनियादी तौर पर एक रूमानी मिजाज है और उनकी ज़िंदगी में ऐसा मालूम होता है कि इश्क की गहरी छाप है एक ऐसा इश्क जिसमें वो नाकाम हो गए हैं और ये सच भी है फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी ज़िंदगी में किसी से इश्क किया था और उसमें नाकामी मिली थी जिसका दर्द उन्होंने आखिरी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक ख़ुद से जुदा नहीं कर पाए और उनकी नज़मों में उनकी गज़लों में उनका वो महबूब हर जगह दिखाई देता है मौजूद नज़र आता है लेकिन फैज़ अहमद फैज़ ये बात सच है कि वो अपने इश्क की यादों से अपने महबूब से अपना दामन नहीं छुड़ा पाते हैं और ये समझते हैं कि ज़िंदगी के लिए महबूब का गम मोहब्बत का गम ही काफ़ी है अब कहाँ इससे फुर्सत है कि दुनिया और ज़हान के किसी दूसरे गम को पाल लिया जाए उनका इश्क हर वक्त उनको अपनी तरफ खींचता है और वो फैज़ अहमद फैज़ को एक इनकलाबी बनने से रोकता है हर वक्त हर लम्हा उन्हें महसूस हो रहा है कि हमारे पैरों में अब भी कई तरह की ग़ुलामियों की जंजीरें पड़ी हुई हैं जो झनक रही हैं और उनसे आज़ादी हासिल करना अभी बाकी है जिसके लिए एक लंबी जंग दरकार है दुनिया की दौलतें सिमटकर चंद लोगों के हाथों में आ गई हैं और एक बड़ा तबका हमारे इंसानी माशरे में मौजूद है जो नादार है मज़लूम है बल्कि नाम नहा दौलतमंदों और इज्जतदार लोगों के बेरहम हाथों ने नादारों मजलूमों और कमज़ोरों का इस्तेहसाल किया है उनका मानना है कि जिस तरह पर्वत हीरों से और सागर मोतियों से खाली नहीं है उसी तरह से दुनिया दौलत से खाली नहीं है लेकिन उस दौलत का फ़ायदा तब तक नहीं हो सकता पूरी तरह से नहीं उठाया जा सकता जब तक कमज़ोर से कमज़ोर इंसान उसके बराबर का भागीदार न बन जाए फैज़ की शायरी में मायूसी है अपने वक्त से मायूसी है अपनी उनकी रूह में एक तनहाई दिखाई देती है एक दर्द की कैफियत महसूस होती है और यही दर्द यही मायूसी जब हिम्मत की शक्ल अख्तियार करती है तो फैज़ इनकलाब की तरफ गामजन होते हुए दिखाई देते हैं मैं इस सिलसिले में उनकी दो नज़मों का जिक्र करना चाहता हूँ एक साथ नक्श फरियादी में एक नजम है इंतज़ार के केनवान से और दूसरी नजम है तन्हाई के केनवान से इंतज़ार नजम जिसका इंतज़ार है गौर करें तो उस नजम में तन्हाई मरकजियत की हैसियत रखती है और तन्हाई नजम को देखते हैं तो उसमें इंतज़ार एक माहौल बन के उभरता है आइए पहले इंतज़ार के कुछ शेर सुने वो फरमाते हैं कि जो हसरतें तेरे गम की कफ़ील हैं प्यारी अभी तलक मेरी तन्हाइयों में बसती है तवील रातें अभी तक तवील हैं प्यारी उदास आँखें अभी इंतज़ार करती हैं और इसी नजम में आगे चलकर कहते हैं कि कसम तुम्हारी बहुत गम उठा चुका हूँ मैं कसम तुम्हारी बहुत गम उठा चुका हूँ मैं गलत था दावा सब्र शके बा जाओ करारे खातिर बेताब थक गया हूँ मैं इस नजम में जाहिर है फैज़ अहमद फैज़ अपने महबूब का इंतज़ार कर रहे हैं और आखिर में चल के ऐसा लगता है कि शायद थक गया है और जो फजा तामीर होती है वो मुकम्मल तन्हाई की फ़ज़ा है उनकी दूसरी एक और नज़म तन्हाई पहले उसके कुछ शेर सुने तन्हाई में वो कहते हैं कि फिर कोई आया दिलेजार नहीं कोई नहीं राह रो होगा कहीं और चला जाएगा ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चिराग सो गई रास्ता थक के हरिक राह गुजर अजनबी ख़ाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग गुल करो बढ़ा दो मैं व वो मीना वो याग अपने के माड़ों को मुक़फ़ल कर लो अब यहाँ कोई नहीं कोई नहीं आएगा इस नज़म में हमने देखा कि तन्हाई इसका है मगर जो फ़जा तामीर होती है वो है इंतज़ार नज़म इंतज़ार में तन्हाई और तन्हाई में इंतज़ार ये दोनों चीज़ें फैज़ अहमद फ़ैज़ की शायरी में काफ़ी अहमियत रखती हैं और उनका आगाज़ यहीं से होता है उनकी शायरी का आगाज़ यहीं से होता है लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते हैं और ज़माने के दुख दर्द को देखते हैं तो एक गहरी तकलीफ़ महसूस करते हैं और उस वक्त वो उनको ऐसा लगता है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया वो अपने महबूब से कहते हैं कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के यही वजह है कि अब उनकी अगली नज्म उनके ख़यालात के इरत को वाज़े करती है ये नज़म है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग इस नजम में शायर पहले महबूब की मोहब्बत का जिक्र करता है और ये वाजे करता है कि इंसान की ज़िंदगी के लिए मेरी ज़िंदगी के लिए मेरी महबूब की यादों की दौलत काफ़ी है लेकिन उसी नज़म में आगे बढ़कर जब वो ये महसूस करते हैं कि दुनिया के हालात खराब हो चुके हैं और हर जगह खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए कूचा व बाजार में इंसान की लाशें बिकने लगी हैं तो मजबूर होकर उनको कहना पड़ रहा है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग क्योंकि राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फैज़ अहमद फैज़ अपने शायरी के साथ रूमान से चलकर हकीकत की यानी इन इनकलाब के राह गुजर पर गामजन होते हुए नज़र आते हैं और वो वक्त भी आता है जब गरीबों नादारों और मज़लूमों के लिए मैदान जंग में खड़े होकर अपने हाथ में बगावत का अलम लिए खड़े हैं और अपने पीछे एक लंबी फ़ौज की रहनुमाई फरमा रहे हैं मैं यहाँ उनके एक और नज़म का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका है शीशों का मसीहा कोई नहीं शीशों का मसीहा कोई नहीं जिसमें वो कहते हैं कि मोती हो के शीशा जाम के दुर जो टूट गया सो टूट गया कब अशकों से जुड़ सकता है जो टूट गया वो छूट गया इस नजम में शायर मजलूमों नादारों गरीबों की तरफ़ से खड़े हैं उनके हक उनके हक़ के लिए खड़े हैं और वो कहते हैं कि ये गरीब व नादार मजबूर जो ज़माने के बेरहम हाथों के ज़रिए सताए गए हैं इनका इस्तेहसाल हुआ है ये अपने शीशे टूटे हुए शीशों के किरचियाँ अपने दामन में समेटे हुए बैठे हैं रो रहे हैं उन पर आंसू बहा रहे हैं लेकिन उनसे मुखातिब होकर फैज़ कहते हैं कि तुम तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा तुम्हारे आंसू इन टूटे हुए शीशों की किरचियों को जोड़ नहीं सकते जिनमें तुम्हारे तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नामूस और तुम्हारी गैरत की मोती भी इसके साथ टूट गए हैं जो लोग गरीबों और मजलूमों का इस्तेसाल करके अपनी दुनिया और अपना इकतदार बनाते हैं वो जानते हैं कि गरीब अगर जिंदा नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं उनकी आन बाकी नहीं रहनी चाहिए इसलिए उनकी कोशिश होती है कि मुफलिसों की नादारों की आन उनके साथ ना रहे और शायर का कहना यह है कि जिस दिन आन खत्म हो जाती है इंसान की दरअसल मौत उसी दिन होती है इसलिए उन्हें फैज़ अहमद फैज़ ललकारते हैं और कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें एक लंबी लंबी जंग लड़नी पड़ेगी और अपना हक़ बढ़कर तुम्हें ज़माने के हाथों से छीनना होगा इसका आखिरी शेर मुलाहजा फरमाएँ कि सब सागर शीशे लालों गर इसी बाजी में बिद जाते हैं उठो सब खाली हाथों को इस रन से बुलावे आते हैं यही है फैज़ अहमद फैज़ की नजमगारी की असल हकीकत अब ज़रा सा उनके उसलूब की तरफ बात करते हैं फैज़ अहमद फैज़ उसलूब के एतबार से भी रवायत से बहुत ज़्यादा बगावत नहीं करते हैं बल्कि रवायत की पासदारी उनके अंदर मौजूद है आ... उनकी शायरी में जिन जिनतों का इस्तेमाल हुआ है वो बेशक नए नहीं हैं सयाद अहल कफस गुलची कातिल मकतूल दारो रसन शामो सहर ये सब वगैरह इस तरह के बहुत सारे लेकिन ये सच है कि इन तमाम इलामतों को फैज अहमद फैज ने एक नया मानी अता किया है इसमें कोई शुभा नहीं फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ तरकीबात का भी इतज़ाम काफ़ी खसूसियत की हामिल है जैसे बेसब्र खबगा अजनबी बहारें तरसी हुई शब बेजार कदम होंठों के शराब नाकाम निगाहें, खबीदा राहतें मुंतज़र राहें झुलसी हुई वीरानी बेखाब किवाड़ वगैरह वगैरह और इस और इन तरकीबात के इस्तेमाल ने फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को बेशक बहुत खूबसूरती अता की है और जहाँ तक तशबी का मामला है फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में तशबीहात के अला नमूने मौजूद हैं मिलते हैं देखने को एक दो शेर मुलाजा फरमाएँ उनकी तशबीहत को देखने के लिए उनका एक शेर देखें तीरगी है कि उमड़ती ही चली जाती है तीरगी है कि उमड़ती ही चली जाती है शब की रग रग से लहू फूट रहा हो जैसे और आ, ये चार मिसरे भी उनके देखें कि रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए उस लोभ के अतबार से फैज़ की शायरी कदीम जदीद मैलाना का दिलकश आमेज़ा है कदीम शायरी से जहाँ तक उन्होंने फ़ायदा उठाना है उठाया है और जो इजाफा करना है वो उनका ही हिस्सा है जो उन्होंने किया है इंसान दोस्ती नग़मगी फनी रचाओ इन तमाम चीज़ों को जज्बा जगह दी है अपनी शायरी में लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि फैज़ अहमद फैज़ अपनी नज़मों के लिए एक फज़ा तैयार करते थे और वो फज़ा इतनी दिलकश हुआ करती थी कि कारी की निगाह उनके फ़न की तरफ कभी जाती ही नहीं थी और कारी उस फज़ा में खो कर रह जाता है फैज़ अहमद फैज़ की नज्मों में या उनकी ग़ज़लों में भी मिसरों के की मानवीय की वो अहमियत नहीं रह जाती है जो दूसरे शोरा के यहाँ होती है बल्कि कहा जा सकता है कि फैज़ जिन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो अल्फ़ाज़ पिघल कर उस फज़ा में बह जाते हैं और घुल मिल जाते हैं बहरहाल फैज़ का उसलूब और फैज़ का अंदाज़ सुखन मुनफरद है और आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल है बल्कि आखिर में उनका मैं वो शेर पढ़ना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने अंदाज़ और अपने उसलूब के हवाले से कहा है हमने जो तर्ज़ फ़गा की, की है कफस में ईजाद हमने जो तर्ज़ फ़गा की है कफस में ईजाद फैज़ गुलशन में वही तर्ज बयाँ ठहरी है शुक्रिया